चलिए प्रश्न नंबर 10.4 के पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वहने जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि दो 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का वृत्त है या 5 सेंटीमीटर ही त्रिज्या का वृत्त हो गया और इसी के अंदर कहता है एक 3 सेंटीमीटर ही त्रिज्या का वृत्त या 3 सेंटीमीटर ही त्रिज्या का वृत्त हो गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ दिया गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। कहता है कि भाई ने जीवा, तो जीवा कहता है यहाँ से यहाँ तो हमारा जीवा हो जाएगा जो कि यह कहलाता है। अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है जीवा तो कहलाता है, लेकिन वह कहलाता है सबसे बड़े जीवा जिसे कहते हैं व्यास। लेकिन जब वृत्त के केंद्र से अगर ये बगल से होकर जाते हैं तो वह कहलाती है जीवा, लेकिन वह छोटी जीवा कहलाती है। कहते हैं जब यहाँ से यहाँ इसका ये त्रिज्या है तो इसको मान लेते हैं ओ बिंदु पर यह कट रही है। जब ओ बिंदु पर कट रही है तो यहाँ से यहाँ मेरा त्रिज्या है, तो जब यहाँ से यहाँ भी अगर लंब डालेंगे तो यह भी त्रिज्या होगा छोटे वृत्त का। तो यह दिया गया कितना कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं बाहर में 3 सेंटीमीटर और यह दिया गया कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत है नहीं। मान लिए तक कहता है कि निकालने के लिए कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाले, जीवा की तो हमको यहाँ से यहाँ इसका लंबाई निकालना है, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा। चलिए हमको यह पता है कि यह दिया गया 3 सेंटीमीटर और यह पता है कि यह 5 सेंटीमीटर। अगर जब कोई जीवा पर अगर कोई रेखा अगर डाला जाता है तो वह हमेशा लंब होता है। जब यह लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि जब जीवा होता है तो यह मेरा आधार है, जब यह आधार है तो यह हमारा क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण। तो हमको लंब और कर्ण पता है लेकिन आधार हमें नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो हमको आधार निकालना है एसी, तो एसी बराबर क्या फार्मूला होता है आधार बराबर, जिसे कहते हैं रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है ओए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ओसी कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जबकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16, लेकिन यहाँ 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो हमारा यहाँ से यहाँ आधार आ गया कितना 4, जबकि एसी का मान आया, किसका मान आया एसी का। तो इसमें तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहे हैं ओ सी ए और एक त्रिभुज बन रहा है ओ सी बी। अगर इसको यहाँ से यहाँ अगर ये मिला दिया जाए तो ओ सी बी दो गो ये त्रिभुज बन रहा है। जब दो त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ से यहाँ अगर ये मिलाएंगे ये तभी बनेगा दो गो त्रिभुज ओ सी बी। यह भी हमारा त्रिज्या, यह भी हमारा क्या है त्रिज्या, यह भी हमारा 5 सेंटीमीटर, यह भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। यह भी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, यह भी हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों तो हमारा यह छोटा वृत्त का त्रिज्या है, जब यहाँ से यहाँ निकाल लिए 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ कितना आएगा यह भी तो हमें नहीं पता है। जब इसका मान दिया गया 5 सेंटीमीटर इस जीवा इस त्रिज्या की लंबाई, जब इस लंबाई का पता लंबाई आती है यह इसका भी मान तो 4 ही आएगा। जब 4 आएगा तो हमको कहता है जीवा की लंबाई निकालने के लिए, तो जीवा ए बी बराबर जिसको माने हैं क्या माने हैं ए बी, तो हम इसको ए बी बराबर लिख सकते हैं ए बी को ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस तो ए सी का मान यहाँ कितना निकाले हैं 4 और सी बी का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 8 सेंटीमीटर, मतलब एक जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। चलिए 2 नंबर, कहता है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। चलिए कहता है एक वृत्त है,
हो गया बीट। इसमें कहते हैं एक बीट में कहता है बीट के दो समान जीवाएं जो कि बीट के अंदर है, दो समान जीवाएं बीट के, अगर यह जीवा अगर 5 सेंटीमीटर है तो यह भी जीवा हमारा 5 ही सेंटीमीटर है, तो दो समान जीवाएं हो गया। इसको मान लेते हैं ए और बी, इसको मान लेते हैं सी और डी, मतलब बीट के अंदर दो समान जीवाएं हो गया। तो हमें सीधे करने के लिए कह रहा है कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है कि नहीं। इसको यहाँ से यहाँ बी और डी को मिलाते हैं, ए और सी को मिला देते हैं, जहाँ मिलाते हैं वह कटता है कहाँ, जिस बिंदु पर कटता है उसको मान लेते हैं वो, यह हमारा बीट का केंद्र हो गया। वो क्या लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी लिया, सी डी खींचा, ए बी तथा सी डी खींचा, बी और डी को मिलाया, बी और डी को मिलाया, बी और डी को मिलाया तथा ए और सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जानते हैं कि इसका एकांतर कोण ये बराबर होंगे, यह कोण और यह कोण, इसका भी एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, किस कोण से, एकांतर कोण से हमारा बराबर है, जब यह बराबर है तो कोण डी और कोण बी भी हमारा ये बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण डी किस कोण से है, एकांतर कोण से बराबर है। जब यह एकांतर कोण से बराबर है तो जरूर है कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज डी ओ सी हमारा यह भी बराबर होगा। यह त्रिभुज जो वृत्त के अंदर बन रहे हैं और यह त्रिभुज जो वृत्त के अंदर बन रहे, तो यह भी त्रिभुज हमारा क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। जब यह त्रिभुज बराबर हैं तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जीवा के संगत खंड भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि कौन, इसीलिए कौन ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कौन ओ सी डी बराबर कौन ओ सी डी, और इसीलिए कौन ओ बी ए, ओ बी ए बराबर कौन ओ डी सी, दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, यह भी हमारा जीवा भी आपस में ये बराबर होगा, जो कि यह वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास, जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ए सी और बी डी में हमारा क्या आपस में बराबर है, यहाँ कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, जो कि हमारा क्या है, व्यास है, यह भी हमारा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब यह बराबर होंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि जीवा के संगत खंड क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। सर ये बराबर हो गया, दो हो गया बराबर, संगत खंड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन अतः यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से बराबर कौन, यहाँ हमको यहाँ दिखाना है कौन, पहले था हमको खंड, अब यह है कौन। चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, कहते हैं एक वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवा हो गया जिसे कहते हैं ए बी और सी डी। मान लेते हैं ए इसको बी इसको सी और डी। जब दो अंदर जीवाएं बराबर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि यह भी हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है तो ए और सी को मिला देते हैं, बी और डी को मिला देते हैं, तभी ना हमारा बनेगा एंगल। मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बराबर कौन बनाती है, चले जाते हैं यहाँ माना कि एक वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी लिया, जो कि हमारे समान जीवाएं बराबर है। जब ए बी और सी डी बराबर है, जब ए और सी ए तथा सी और बी तथा डी को मिलाया, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब वो बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ कह सकते हैं जहाँ कि बी ए सी बराबर बी डी, यह रेखा और यह जीवा हमारा क्या आपस में बराबर है। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज डी ओ सी। यह त्रिभुज जो वृत्त के अंदर बन रही है और यह त्रिभुज जो वृत्त के अंदर बन रही है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब यह बराबर हैं तो यहाँ कह सकते हैं कोण ओ बराबर कोण ओ उभयनिष्ठ बिंदु से, क्योंकि इसका भी इस त्रिभुज का ओ है और इस त्रिभुज का भी ओ है। जब यह उभयनिष्ठ बिंदु हो गया इसे कह सकते हैं इसीलिए कोण ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब यह कोण और यह कोण बराबर किया, एकांतर कोण भी आपस में ये बराबर होंगे, एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, और यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए, एकांतर कोण से यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो इसीलिए कह सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। जब सभी कोण ये बराबर हैं तो सभी भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा आपस में ये बराबर है, तो यह भुजा और यह भुजा भी आपस में ये बराबर होगा। यहाँ कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी, दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर है तो इसमें सभी कोण, मतलब ये क्या बोलते हैं, सभी एकांतर कोण भी हमारा ये बराबर होगा। यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण बी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण ए, यह कोण और यह कोण एकांतर कोण से बराबर है। यहाँ लिखना पड़ेगा किस कोण से,
एकांतर कौन, यह भी हमारा एकांतर कौन से है, हमें क्या करना है सिद्ध, तो रेखा जीवाओं के बराबर कौन बनाते हैं। हाँ कहते जब यह एकांतर कौन है तो जीवा पर जो हमारा जो यह बनता है एंगल जो जो बन रहा है कौन, क्या वह बराबर है या अलग अलग है। जब भी जीवा पर अगर ये बनाया जाएगा दो दो समान जीवा पर कौन, तो वह कौन हमारा क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कि जीवा पर बनाया गया कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमको यहाँ मतलब दिखाना भी है कैसे होते हैं बराबर, इसीलिए कौन ए बी ओ, कौन ए बी और यह कौन बराबर कौन सी डी, सी डी ओ यह कौन बराबर है, इसीलिए कह सकते हैं कौन बी ए ओ बराबर कौन डी सी, वो हमारा कौन दोनों के आपस में बराबर हैं। यह कौन और यह कौन बराबर है जीवा पर, यह कौन और यह कौन भी हमारा जीवा पर क्या है बराबर हैं। चार नंबर कहता यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र ओ है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी। डी जो वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर सी डी है या नहीं, सी डी है या नहीं। माना कि ओ केंद्र वाले दो वृत्त खींचा, दो वृत्त खींचा जो बड़ी और छोटी वृत्त का केंद्र एक ही है, एक ही है जिसका केंद्र क्या है वो है। कहते हैं एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जीवा मतलब छोटे वृत्त को, वृत्त की जीवा को स्पर्श करते हुए जा रही है, स्पर्श करते हुए एक बड़े वृत्त की जीवा और एक छोटे वृत्त की जीवा जो है एक ही पॉइंट पर जो है या एक ही सीध रेखा में गुजर रही है। तो कहता है सिद्ध करने के लिए कि ए बी बराबर सी डी है या नहीं, यह दूरी और कहता है यह दूरी दोनों आपस में ये बराबर है या नहीं। चलिए आते हैं, दिया गया है चित्र से, चित्र में दिखाया गया है, दिखाया गया है कि ए बी ए डी बड़े वृत्त की जीवा है और बी सी छोटी वृत्त की जीवा है जो दोनों वृत्तों पर
अवस्थित है दोनों वृत्तों पर, अवस्थित यह भी जीवा ही छोटे वृत्त को और यह जीवा बड़े बड़े वृत्त को मतलब यह अवस्थित है, तब कहता है कि यह रेखा और यह रेखा दोनों बराबर है कि नहीं। जब कोई नाला बनाते हैं तो उसका नाला का स्पेस जो है ये बराबर होता है, क्या होते हैं बराबर। अगर कोई गड्ढा ही खोदते हैं तो उसका स्पेस क्या होते हैं बराबर। इसका भी जो है एक गड्ढा खोदा गया है गोल, इसी वृत्त के अंदर जो है कुएँ के अंदर जो है एक ये गड्ढा खोदा गया है। जब वह गड्ढा खोदा जाता है तो इस गड्ढा जो है इस चारों बगल के एरिया का क्या होगा बराबर होगा। जब जब यह एरिया बराबर है तो यह भी एरिया हमारा क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं वृत्त का जो स्पर्श रेखा ए और बी है, बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा जो सी और डी है, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखेंगे वृत्त की बाहरी स्पर्श रेखा क्या है आपस में, क्या लिख सकते हैं ए भी बराबर सी डी दोनों क्या आपस में बराबर है। जहाँ कह सकते हैं कि यह रेखा दोनों क्या आपस में बराबर है। लैंग्वेज से इसी को बस लैंग्वेज से खड़ी से पांच नंबर एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा सलमा एवं ये मनदीप कहता है 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क है, हो गया। यह कहता है 5 मीटर की त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क, यह हो गया 5 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पार्क की एक गोल पार्क है, एक गोल पार्क है जहाँ जो है कौन कौन खेल रही है, रेशमा लड़कियाँ जो है रेशमा सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब कहता है रेशमा यहाँ है खड़ी इस पॉइंट पर, फिर कहता है यहाँ से यहाँ 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर कौन है मनदीप है, सलमा, फिर यहाँ 6 मीटर की दूरी पर कौन है मनदीप, कौन है मनदीप। तब कहता है कि यहाँ से यहाँ जो दूरी है, जो यहाँ से यहाँ दूरी जो मिल रही है, यह भी हमारा 5 मीटर की ही दूरी पर है, क्या है 5 मीटर की ही दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ जो हमारा मिलता है, यहाँ से यहाँ जो मिलता है, तो वही कहता है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। हमको यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है, जब यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ हम इस पर लंब डाल देते हैं, किस पर, कोई बिंदु मान लेते हैं यह L है, यह मान लेते हैं P है, कोई दिक्कत है नहीं है। कहते हैं यह 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर कितना है 5, जब यहाँ से यहाँ मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर तो इसका आधा 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। जब इस पर लंब डालते हैं तो, जब लंब डालते हैं तो यह 2 भागों में बांटती है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमको एक हो गया कर्ण पता हो गया, लंब हमको नहीं पता लेकिन आधार पता है, आधार पता है। जब आधार पता हो गया, जब हमको आधार पता है कर्ण पता लेकिन लंब नहीं पता है, यहाँ से लंब हमारा निकल जाएगा, इसको मान लेते हो कोई दिक्कत है। जब यहाँ हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर नहीं, जब कोई लंब डालते हैं तो आधार हो गया या कर्ण, तो लंब बराबर क्या फार्मूला होता है, ओल बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण मेरा कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर आर एल, आधार कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर
कितना आता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, जब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, जब यहाँ से यहाँ 4 आ गया तो यहाँ से यहाँ भी हमारा कितना है 4 है, जब यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ भी हमारा कितना है 4 है, तो हमको कहता है क्या निकालने के लिए, जब यहाँ से यहाँ 4 हो गया तो यहाँ से यहाँ भी हमारा कितना है 4 है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 ही मीटर में है, 4 मीटर है, क्योंकि हमको वृत्त का त्रिज्या यहाँ से दिया गया है, तो यह वृत्त की छोटी जीवा हो गया, जब छोटी जीवा हो गया जब इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, यहाँ लिख सकते हैं ओ एल बराबर आर पी, जितना ओ एल है उतना आर पी है, तो हम ओ एल का मान निकाले 4 मीटर, तो आर पी का भी मान मेरा कितना होगा 4 मीटर, जब यह 4 मीटर है तो यहाँ आर पी बराबर एम पी हो सकता है, आर पी बराबर एम पी, तो यह जीवा भी हमारा क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी के बराबर है, जितना आर पी का मान होगा उतना एम पी का मान होगा, अगर आर पी का मान निकाले 4 सेंटीमीटर तो एम पी का मान भी कितना होगा 4 मीटर ही होगा, तो हमको कह रहा है रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी क्या होगी, रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी यहाँ लिखेंगे रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी, तो रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी तो आर एस बराबर है, नहीं आर एम ने है, तो आर एम को लिख सकते हैं आर पी प्लस पी एम, आर पी प्लस जितना आर पी का मान है उतना पी एम का मान है, तो आर पी का मान अगर 4 मीटर है तो पी एम का मान भी कितना होगा, तो दोनों मिलाकर ये कितना मीटर हो गया, तो कितने मीटर की दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर स्थित है, 8 मीटर की दूरी पर स्थित है, छः नंबर। कहते 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है, एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है, एक कॉलोनी में 3 लड़के अंकुर सैयद तथा डेविड इसकी परिक्रमा एक बराबर दूरी पर बैठे हैं, एक बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, कहता है 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, हो गया यहाँ से यहाँ यह वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ यह त्रिज्या का लंबाई कितना दिया गया है 20 मीटर, जहाँ की हमारा 3 लड़के यह अंकुर है, यहाँ से यहाँ हमारा खड़ी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा बात कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ अंकुर बात कर रहा है तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या भी हमारा 20 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर ये मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ हमारा कौन खड़ा है सैयद खड़ा है, और यहाँ से यहाँ हमारा कौन खड़ा है डेविड, जब यहाँ से यहाँ इसको ये मिलाते हैं तो कहता है इसकी तार की दूरी कितना होगा, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना है, ये ना है, जब इसका लंबाई ज्ञात करना है और इसका लंबाई ज्ञात करना है, चलिए आते देखते हैं, जितना हमारा यह वृत्त का त्रिज्या है उतना हमारा छोटे वृत्त की जीवा है कि नहीं है, तो इसको मान लेते हैं ओ केंद्र, जहाँ यह कटता है इसको मान लेते हैं पी, वही दिक्कत है, माना कि 20 मीटर का 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींच, क्योंकि 20 मीटर का है त्रिज्या का एक गोल पार्क है, जो कि कहता है कि एक गोल पार्क मतलब वृत्त है, वृत्त खींचा, वृत्त के
वृत्त के वृत्त पर स्थित तीन लड़के बराबर दूरी पर खड़ी होकर बात करता है। तो इसी डोरी की लंबाई निकालना है कि यहाँ से यहाँ जो यह बात करा इसकी डोरी की लंबाई क्या होगी। ठीक, मान लेते हैं कि वृत्त पर छोटी जीवा, यही ना छोटी जीवा की लंबाई AS तथा SD है। छोटी जीवा दो जीवा, एक यह जीवा है, एक यह जीवा, यह छोटी जीवा तो ये है, अभी तो हमारा जीवा ही है AD, और AD भी हमारी जीवा है, हमारी क्या है, यह भी हमारा जीवा है। जब यह जीवा है, जितना हमारा यह वृत्त की त्रिज्या दिया गया है उतना हमारा यह भी त्रिज्या है। मतलब कहते हैं OA बराबर OS, OA बराबर OS, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। जब यह बराबर त्रिज्या है तो यह भी हमारा क्या, यह त्रिज्या और यह जीवा हमारा क्या आपस में बराबर है। यहाँ कह सकते हैं कि जितनी त्रिज्या की लंबाई है उतनी ही जीवा की, यह जीवा की लंबाई भी उतना ही होना होगा, क्योंकि यह जीवा तो हमारा इस त्रिज्या से तो बड़ा है ना। लेकिन कहता है कि यह जीवा कहता है कि जितना हमारा त्रिज्या है उतनी ही यह जीवा की लंबाई है, और उतनी ही दूरी पर तीन लड़के फोन से बात कर रहे हैं। हाँ, उतनी ही दूरी पर हमारे तीन लड़के फोन से बात कर रहे हैं। अगर यह 20 मीटर है तो हमें सिर्फ इसमें एक ही अंक दिया गया है 20 मीटर, तो मान लेते हैं कि यह अगर 20 मीटर की दूरी है तो यह भी जीवा हमारी 20 मीटर लंबा ही दूरी होगा उसका, जो कि दूरी पर खड़ा होगा, तो उतनी ही दूरी पर यह बात कर रहा है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही अंक यहाँ दर्शाया गया है 20 मीटर ही। जब यहाँ से यहाँ त्रिज्या हमारा 20 मीटर है तो इस जीवा की लंबाई कितना होगा, 20 मीटर ही, और यहाँ से यहाँ लंबाई भी हमारा कितना होगा, 20 मीटर ही। हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितना मीटर है, प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई बराबर कितना मीटर है, 20 मीटर। आंसर कर दें। चलिए, जितनी हमारी यह त्रिज्या है उतनी हमारी यह डोरी की लंबाई है, और अगर यह यहाँ से यहाँ अगर यह त्रिज्या है तो यह भी हमारा क्या है, त्रिज्या, तो यह भी हमारा 20 मीटर है। जब यह वृत्त के केंद्र पर अगर यह एक त्रिभुज बनता है तो यह त्रिभुज हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जहाँ लिख सकते हैं कि OAS त्रिभुज OAS वृत्त के केंद्र पर समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। यहाँ कर दिए कि नहीं बराबर, यह भी 20 मीटर है, यह भी हमारा क्या है, 20 मीटर। तो यह क्या है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी तीनों भुजा ये बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। आंसर लिख दिया है समबाहु त्रिभुज, लेकिन हम यहाँ लिखे अंक, कोई फर्क नहीं है इसमें, हम अंक लिखे या समबाहु त्रिभुज लिखे। हाँ, यहाँ भी आंसर है, यह भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, यह भी हमारा आंसर है, और यह भी, क्योंकि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर है, क्योंकि जब 20 मीटर तीनों का लंबाई है तो
तो ये तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ओके सर।